समाज के मुद्दे पे बात करूंगा, मैं राजनीतिक लड़ाई में पढ़ना नहीं चाहता, पूछना चाहता हूं क्या पिछले कुछ सालों के अंदर कहीं बम ब्लास्ट हुए, क्या गोलियां चली। MS बिट्टा साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चेयरमैन है ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के। आज जैसे मुद्दे पर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, कितनी बार रिपीट करना पड़ेगा बिट्टा साहब, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। अंजना जी मुझे बड़ा, मैं देखो 370 धारा के बाद आज हम आमो सामने हो रहे हैं, हम किसी मुद्दे के, जो हमारा मुद्दा हम उसी पे खड़े होके काम करते हैं आतंकवाद के खिलाफ, कोई पॉलिटिकल पार्टी से लेना देना नहीं है। सुबह से देख करके मन को इतना दुख, इतनी पीड़ा हो रही है, कहीं हमारी संस्था ये नारा शुरू से लगाती थी ज्वाइंट हैंड अगेंस्ट टेररिज्म, वार अगेंस्ट टेररिज्म। पंजाब के अंदर आतंकवाद कब समाप्त हुआ, जब सारी पॉलिटिकल पार्टियां एक मंच पे इकट्ठी हुई, मौत का कफन बांधा, 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम हुआ, और जब एक साल के अंदर हमने आतंकवाद को समाप्त किया सारी पॉलिटिकल पार्टियों ने, अरे सामने नजर आ रहा है कि आतंकवादी हैं, उनसे पकड़ा गया, हथियार पकड़े गए, अलकायदा से संबंध, और अभी किसी चैनल के अंदर आतंकवादी के भाई से सुन रहा था जो आतंकवादी सऊदी अरब में था, कब से जा चुका था वहां पे, सारी चीजें सामने आ चुकी है। आज हमारे आतंकवाद के मुद्दे के ऊपर उन आतंकवादियों के लिए खड़े होंगे, बहस होगी, खुदा न खास्ता कहीं राम जन्मभूमि, मथुरा, काशी अगर बम ब्लास्ट हो जाते तो अंजना जी मुझे बताइए क्या हालात होते इस देश के। जहां तक आतंकवाद का सवाल है, हम उस हर व्यक्ति के साथ, हर नेता के साथ खड़े होते जो इसको समाप्त करने की कोशिश करता है। हमने अपने जीवन के, शरीर के हिस्से गवाए, अपने रिश्तेदार, दोस्त, पॉलिटिकल पार्टियों के लोग चले गए। मुझे बताइए अंजना जी, बॉम्बे में ब्लास्ट होते थे ट्रेनों में, 26/11 की घटना होती थी, पार्लियामेंट के ऊपर हमला होता था, दीवानी के दिनों के अंदर आपने खुद देखा होगा जगह जगह पे ब्लास्ट होते थे, कश्मीर के अंदर रोज गोलियां चलती थी, तिरंगे झंडे का अपमान होता था, दीनानगर की घटना होती थी। अंजना जी मेरा आपसे एक सवाल है, मैं किसी बहस में नहीं पढ़ना चाहता, आतंकवाद के मुद्दे के ऊपर कितनी लगाम लगी, जो आतंकवादी घटना कर रहे होते हैं उनको सेंटर की इंटेलिजेंस एजेंसी हो या स्टेट पुलिस हो या जो भी इनका सिस्टम है वो पकड़ के लोगों के सामने ले आते हैं। वाकया तो नहीं हुआ, कोई बम ब्लास्ट तो नहीं हुआ, किसी बेगुनाह का कत्लेआम तो नहीं हुआ, कोई गोलियों से तो नहीं भुना गया जी। मेरा सवाल है अंजना जी आपसे, मैं किसी से बहस में नहीं पढ़ना चाहता, ये राजनीतिक लड़ाइयां चलती रहे, करते रहे, मेरे हाथ जोड़ के सबको निवेदन है, मैं 40 किलो RDX, 45 किलो RDX, 100 किलो अपने शरीर पे झेला है, जिन पे चलता है उनको तकलीफ होती है। मैं आज के मुद्दे पे बात करूंगा, मैं राजनीतिक लड़ाई में पढ़ना नहीं चाहता, पूछना चाहता हूँ क्या पिछले कुछ सालों के अंदर कहीं बम ब्लास्ट हुए, क्या गोलियां चली, क्या दिल्ली के अंदर ब्लास्ट हुए, क्या 26/11 की घटना हुई, क्या जयपुर के अंदर 120 लोग मारे गए कई वर्ष पहले, क्या हुआ। आतंकवाद के ऊपर कंट्रोल है, अपनी राजनीतिक लड़ाई लड़े, लड़ने का अधिकार है, पर आतंकवाद के मुद्दे के ऊपर पंजाब की तरह कांग्रेस हो या बीजेपी हो या अकाली हो या BSP हो, मिलकर जो लड़े वो हमें करना होगा। बेटा जी आपने जो जब सुना है मेहरोत्रा जी की बात, उसका जवाब दीजिए। ऐसा देखो, ये मेरे पिता समान है जो बैठे थे सामने, रविदास जी, कितनी उम्र होगी इनकी, 70-75 होगी, मैं इनसे उम्र में बड़ा छोटा हूं, मैं बचपन के अंदर ही राजनीति को छोड़ दिया कि आतंकवाद के मुद्दे को नहीं छोड़ा, बड़ा कुछ रस्ते में मिला, मैं कहा ले जाओ, मौत मेरी दोस्त है, मैं मौत के साथ लेके चलता हूं। इस उम्र में ये राजनीतिक लोग ऐसी बातें करने वाले, इस उम्र में हम राजनीतिक लोग आतंकवादियों के लिए खड़े होंगे, अरे आपको पता है, आपने इंटरोगेट किया है आतंकवादियों को, मैं पूछना चाहता हूं, अभी तो पुलिस ने सामान पकड़ा है, हथियार पकड़े हैं, इनसे एक मेरा सवाल है, मैं बार बार यही कहता हूं, बाई वे अगर राम जन्मभूमि पहले भी हमला हुआ था आतंकवादियों का, उस वक्त कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, अब हम कहें कि वो कांग्रेस ने कराया था, क्या पार्लियामेंट में हमला हुआ क्या भाजपा जी ने कराया था, क्या 26/11 की घटना हुई क्या कांग्रेस ने कराया था, किसी ने कहा तो नहीं। सवाल